हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजया और आप देख रहे हो क्रिएटिव लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई में हमने अपने घर में से कुछ वेस्ट सामान निकाला था, वेस्ट मटेरियल निकाला था और उन्हीं वेस्ट मटेरियल से कुछ घर को सजाने के लिए कुछ आइटम बनाए हैं, वही आपके संग शेयर करूंगी। वेस्ट प्रोडक्ट में हमने जो है ये जो लकड़ी वाले स्पून्स आते हैं जो नॉन स्टिक के संग यूज़ करने होते हैं, इसको लिया था, और ये वाले पेपर ग्लासेस और ये जो मटकी हैं ये, और थोड़ी सी ऊन भी लिया था। तो इन पेपर ग्लासेस को कलर करेंगे। कलर करने के लिए ये मैंने फेविक्रिल के कलर्स लिए हैं, एक्रेलिक कलर्स। चूँकि ये हमारे जो ग्लासेस हैं ये थोड़े डार्क कलर के हैं, इसलिए हमें इसमें डबल कोट करना पड़ा इसका, एक्रेलिक कलर का। आप जो है अपने मनपसंद कलर से कर सकते हो, क्योंकि ये फेस्टिवल आ रहा है तो हम थोड़े से डार्क कलर ले रहे हैं कलर करने के लिए। इस तरीके से सब सूख जाएंगे अच्छे से, फिर दोबारा कोटिंग कर देंगे। तब तक जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है थोड़ा फुदना टाइप का बना लें। फुदना वही जैसे लुपट्टों वगैरह में लगे रहते हैं ना, वैसे ही होता है। इसको जो है हमने 15 टाइम्स रोल किया था, और ऐसे बांध दें ताकि ये खींचने से फिर निकले नहीं, नहीं तो काट देंगे ना, तो कोई भी अगर खींचेगा बुल पकड़ करके तो ये निकल आते हैं इस तरीके से। अब ऊपर से यहाँ से इसको ऐसे करके बांध देते हैं, ये हो गया डार्क कलर में, थोड़ा अच्छा लग रहा है चेंज। इस तरीके से बराबर भी कर दें इसको। ये देखिए मैंने पहले से ही कुछ तैयार कर लिए थे। अब जो है इन ग्लासेस को डेकोरेट करने के लिए ये स्टिकर लगा रहे हैं। ये स्टिकर तो मैंने खरीदे थे इसको, तो बस ये सिंपली ऐसे ही चिपक जाते हैं खूब ईजली, ये ऐसे। इसमें से चाहे तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ऐसे देखिए लगा दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों, बीच में नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही सिंपल सा थोड़ा सा रखेंगे ये। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम आपको ये स्टेप दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान इसी में दीजिएगा। जैसे कि बीच से खोल करके यहाँ से इसको डाल लेते हैं ऐसे ऊपर, और इसमें जो डालेंगे ये जो है गोल्डन मोतियाँ हैं ना, ये सबसे पहले नीचे की तरफ दो तो सिंपली ऐसे ही डाल ले रहे हैं, फिर जो ऊपर की तरफ एक डालेंगे वो थोड़ा सा गैप करके डालेंगे ये। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा गैप किया है मैंने 1 इंच का, उसको डबल धागा उसमें से निकाल दिया है। छेद कर लीजिए इस तरीके से और सिंपली इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। जो ऊपर मोती रखी थी ना वो एक तरह से स्टॉपर का काम कर रही है ऐसे। अब फिर से इसमें 3 मोतियाँ डाल देते हैं, 3 मोती 4 मोती जितनी भी आपकी इच्छा पड़े डालिए, जितनी आपके पास हैं। और ये तो लंबाई ऊंच झाल जैसे लटकेगा ना ये, तो उसकी लंबाई आपको जितनी भी रखनी हो वो कर लीजिए इस तरीके। गांठ बांध लें नहीं तो मोतियाँ निकल जाएंगी। ये भी सब हमने तैयार कर लिए हैं अपने। अब इन सबको अरेंज करना होगा, किस पर करना होगा वो भी हम बना लेते हैं। अब ये ऊन फ्रेंड्स, ये जो आप इसकी लंबाई लोगे तो जो भी आपकी दरवाज़ा है ना, दरवाजे के हिसाब से लेना, जितना दरवाजे की चौड़ाई है उतना ही लीजिएगा। 3 कलर में हमने कर लिया है ये, और सबकी मैंने 10 10 वो काटी हैं, मैंने काटी भी नहीं है, मैंने एक साथ सब ऊन रोल कर लिए हैं ताकि फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकें कभी ज़रूरत पड़े तो। मैं जल्दी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, इस तरीके से सिंपल छोटी गूँथते जा रहे हैं। रबर लगा दिया जाए, अब फ्रेंड्स ये जो हैं ये इस तरीके से इसमें चिपकाए जाएंगे। अच्छा, इसकी जगह आपके यहाँ कोई लेस वगैरह पड़ी हो तो मोटी सी वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए पहले यहाँ पर एक लटकाने के लिए एक हुक सा बना दें कि जिसके सपोर्ट से ये लटकेगा, इसी से बना देते हैं ऐसे ही इसको। इसको बस सिंपली ऐसे करके लपेटते जाना है। अब कील वगैरह में कहीं पर भी ले करके लगा सकते हैं इसको। अब इधर जो है फेविकोल से देख रहे हैं हम कि कितना सुटेबल रहता है। मेरे पास फेविकोल ही इस समय है।
फेविकोल से वैसे हमको तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ लग रही है ये। ग्लूगन निकाल लेते हैं, ये देखिए ग्लूगन से हम ऐसे ऊपर चिपका दे रहे हैं, क्योंकि फेविकोल से मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत लग रहा था, और जो एक्स्ट्रा ऊन बची इसको काट देते हैं। देखिए हमको तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा। इसमें मुश्किल से मेरा शायद 50 रुपीज़ मैंने खर्चा करा है, वही जो इसमें मोती लगी हैं यही इसी के लिए। अब चलिए इस लकड़ी के स्पून को भी यूज़ करा जाए। ये तो हम बना रहे थे, फिर अचानक मैंने सोचा आपके संग शेयर करें। ये देखिए मैंने इसमें पेंट एंट भी कर लिया था, फिर मेरे दिमाग में आया ये भी आइडिया अच्छा है, आपके संग शेयर करते हैं। तो इसमें भी हमने जो है, इसमें हमने ना वो एक्रेलिक कलर करें जो खिड़की दरवाजों, नहीं एमल्शन पेंट करा जो खिड़की दरवाजों में लगता है ना, वो पेंट की दुकान से लिया था। देखिए मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं तो बस ऐसे ही रफ़ हैंड से बना दे रही हूँ ऐसे ही बस। मुझे शौक़ बहुत लगता है लेकिन कभी ये सब चीज़ें कर नहीं पाए इतना ज़्यादा। ये एक्चुअली हर टाइम तो ये था कि अपनी पढ़ाई में, कभी बच्चों के उसमें लगे रहे हैं, अब सब चीज़ से फ्री हो गए हैं तो अपने इन सब शौकों को पूरा करते हैं जो कभी मन करता था करने का, सिंपली बस ऐसे ही कर दे रहे हैं। पहले सोचा दोनों एक साथ करें, फिर हमने कहा नहीं अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने में ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। इसमें जो है अपने मनपसंद कलर्स कर सकते हैं। वाइट हमने इसलिए रखा था क्योंकि नीचे से गंदा गंदा बहुत दिख रहा था वो ना, इसलिए वो स्पून जो था बड़ा गंदा सा लग रहा था, तो अब ऐसे वाइट में हो गया। यहाँ पर देखिए मार्कर है, मार्कर से अब हम लिख देते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम। हमने तो जानते हैं क्या लिखा है, हमने लिखा है मम्मी का ढाबा ओपन 24 आवर्स। ये मैं अपने किचन में लगाऊंगी, ये वाला आइडिया मैंने कहीं पर देखा था, पिनइंटरेस्ट कहीं पर देखा था ये वाला आइडिया, तो वहीं से मैंने इसको कॉपी करा है। मतलब डिज़ाइन वगैरह मेरी अपने मन की है, लेकिन ये मतलब उसमें भी मम्मी का किचन लिखा था उसमें, तो हमने कहा चलो हम भी बनाए, तो बड़ा अच्छा है, यूज़ करने लायक है। तो इस तरीके से है, आप उसको किचन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, डोर में इस तरह। चलिए अब नेक्स्ट आइटम आपको दिखाया जाए जो कि इन मटकियों से बनेगा। ये इस तरीके के मटकियों को मैंने धो करके सुखा रही हूँ थोड़ा सा, फिर पेंट करते हैं इसमें। इसमें भी हम वही एमल्शन पेंट कर रहे हैं जो कि खिड़की दरवाजों में लगता है, थोड़ा डार्क डार्क कर दे रहे हैं। ये वाइट बेस कर देने से दूसरा कलर जो है ऊपर ज़्यादा अच्छे से चढ़ता है, हमें लगता है ऐसा। तो सब मेरी हो गई हैं, अब ऊपर से हम अपनी कोई भी कलर कर दीजिए। अब मेरे पास जो कलर बचे थे, ऐसे ब्लू बचा था तो मैंने ब्लू में वाइट मिला के कर दिया है। ये रेड तो था ज़्यादा मेरे पास, तो रेड को मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। तो जो जो कलर मेरे पास हैं उन्हीं को मैं मिक्स एंड मैच करके बना दे रही हूँ। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ये कर देंगे। ये गोल्डन कलर भी उसी का ही है जो एमल्शन पेंट आता है उसी का, ये पेंट की दुकान से हमने ये वाला तो लिया है। अब कुछ थोड़ा बहुत इसमें ऐसे ही क्रिएटिव काम कर दिया जाए, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन चलिए ये सूख गया है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप करा जाए, क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप। इसको लटकाने के लिए हम सोच रहे हैं तो मैंने ये डोरी बनाई है। ये भी फ्रेंड्स मैंने पिन इंटरेस्ट से आइडिया लिया है, वहाँ पर मैंने देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये तो बना सकते हैं इसको। ये लेस भी ऐसे ही थोड़ी ख़राब वाली थी, देहाती स्टाइल की थी, तो मैंने इसमें जो चिंकलिंग बहुत सारी लगी थी वो सब काट दी मैंने चाची से, फिर ऐसे ही सिंपल इसको बना लिया है। तो ये सारी इस तरीके से छोर में लगा दी हैं दोनों तरफ से हमने। अब इसको लटकाया जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा जो है ये काट देते हैं इस लेस को, ये ऐसे। यहाँ पर देखिए इस लग गई है, ये मैंने अभी बाहर के दरवाजे में लगाई है यहाँ पर। तो इस तरीके से बिना पैसा खर्चा करे हुए मेरे घर का एक दरवाजे का डेकोरेशन तो बिल्कुल रेडी हो गया है। और दिवाली वगैरह के समय थोड़ा सा ये सब चटक मटक टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं। इसको यहाँ पर भी हमने लगा करके देखा, मैं देख रही थी कहाँ है, वैसे तो अभी मुझे सफाइयाँ करनी है, कल तो नरक चौदस धनतेरस सभी है, तो फिर मैंने कहा आज को लटका के पहले मैं देख लूँ कैसा लग रहा है ये। और मम्मी का ढाबा ओपन 24 आवर्स उल्टा हमने रख दिया है,
फ्रेंड्स कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।